अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम जो हैं वो मलिक मार्ग से निकल चुके हैं रियासी के सबसे ऊंचे पहाड़ में। तो ये कहता हूँ लद्दाख को छोड़ के जम्मू और कश्मीर के बीच में जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो यही है अकॉर्डिंग टू हाइट। तो चलिए आगे का व्यू आपको दिखाते हैं, वीडियो पूरी देखें ज़रूर। ये आगे शमा की मार्ग, और जिस चोटी पे हमने जाना है वो चोटी ये ऊपर टॉप है। ऊपर पानी नहीं है, ऊपर जहाँ पहाड़ पे अभी हम पानी यहीं से भर के जाएंगे। तो ये भर रहे हैं पानी यहाँ पे, ऊपर जो पहाड़ है वहाँ पे पानी नहीं मिलता है। ये आ गया यहाँ का रास्ता, ये देखो आप कैसे पत्थरों पे चल के मतलब जाना है। ये ऐसी है जनाब, ये चाय थी जिसको पहले लोग जो है चाय बनाने में इस्तेमाल करते थे, इसकी चाय पीते थे। ऊंचा पहाड़ जहाँ पे ना पानी ना लकड़ी, तो ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, बट फिर भी लोग जो हैं लोकल वो वहाँ पे जाते हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वह यहाँ पे रास्ता खुद निकालना पड़ता है, तो वरना रास्ता मिलने का कोई चांस नहीं है, और बहुत मुश्किल रास्ता है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे छोटी माउंट एवरेस्ट। तो चलिए चलते हैं साथ में। ये यहाँ के पहाड़, और ये यहाँ के खंडरात। अभी वो उस वाली चोटी पे हमने जाना है, तो नीचे देखें आप ये कैसा दिख रहा है। बहुत यार बहुत लंबा रास्ता है, अभी सामने देखें आप पहाड़। अभी ये पहाड़ क्रॉस करके एक से उतरना, ऐसे जाना ऐसे करके, तो फिर जाके टॉप वाला पहाड़ जो सामने लास्ट दिखाई दे रहा वो आएगा। रास्ता दिखाता हूँ यहाँ का, ये रास्ता ऐसे ऐसे पहाड़ों वाले। ये देखो कैसे चट्टान बीच में खड़ी है, और इन चट्टानों से होके हमें आगे जाना है। देखो जी कैसे चट्टान, नीचे आप देखो हम वो कैसा दिखाई दे रहा है, और फिर इस तरफ से नीचे, और फिर पीछे जहाँ से हम होके अभी आए, ये चट्टान क्रॉस करके आए हैं, और बहुत डिफिकल्ट है यार। रास्ते की पहचान रखी है, जो लोग यहाँ से चल के जाते हैं वो ऐसे पत्थर को खड़ा कर देते हैं, ताकि कोई अगर भूल जाए वो इस पत्थर को देखे तो मतलब एक जो है डायरेक्शन ले सकता है। ये देखो सामने जो पहाड़, पीछे ये चट्टानें भी क्रॉस की हमने, अभी तो बहुत बहुत थक गए हैं। इस सामने जो ये रजौरी के पहाड़, और इस तरफ जो है ये नीचे जो जगह है तहसील मोहर जसाना जो आगे, और इस तरफ जो है ये भी मोहर से मतलब नीचे रियासी मान लो, और जम्मू वाली साइड भी। तो ये सारा है यहाँ का, देखो आप ये देखो, ये पत्थर की मस्जिद बनाई हुई है यहाँ टॉप पे। ये देखो कैसे पत्थर जो उनका डिज़ाइन किया हुआ है, और वो बनाई हुई है यहाँ पे, देखें बिल्कुल प्लान। फाइनली अभी पहुंच चुके हैं, ये देखो टॉप, यहाँ पे चक्की जो बनी हुई है, और यहाँ पे किसी जो वली है उसकी बैठक भी है, और ये ढोक देखो आप मुनिमाल की ढोक, और उस तरफ जो है वो पहाड़ी। तो ये इस तरफ जो रजौरी, और इस तरफ रियासी। तो ये सामने देखो इसके चारों तरफ जब जो व्यू है वो देखें आप, कैसा व्यू है इसके चारों तरफ। ये देखो जैसे आसमान जो है वो ज़मीन से बात कर रहे हैं। तो ये है इसकी ये पहाड़ी, और ये है टॉप जगह इसकी। तो ये देखो जहाँ पे लोग जो है वो बकरा वगैरह बनाते हैं वो ये जगह है। यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, पूरा पूरा आसमान है। ये देखो इसका नाम, जो ये चोटी है इसका नाम है गागड़ा नेजा, यानी इसको गागड़ा इसका नाम है। ये देखें इसका व्यू। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, मैं तो ये कह रहा हूँ कश्मीर और जम्मू के दरमियान में जो सबसे ऊंची चोटी है, तो वहां पे हम पहुंच चुके हैं। तो पीछे आपने देखा जैसे हम पहाड़ चढ़ के आए, तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। तो आए हम आपको दिखाएंगे यहाँ की जो
ये मुकद्दस जगह है। और इसको क्यों मतलब इतना, देखो जी यहाँ पे किसी वली की, अल्लाह के किसी वली की बैठक भी है यहाँ पे। और किसी ज़माने में देखो, बहुत पुराने, बहुत पहले ज़माने में कहीं क्या होता था कि यहाँ पे एक घराट बना हुआ था, चक्की नहीं होती आटा पीसने वाली, वो बनी हुई थी यहाँ पे। और उसके जो आज भी निशानाती, देखो सीमट के बने हुए ये पक्के हैं, थोड़ा मैं अलबे से कहूँगा नज़दीक से दिखाएं, ये बिल्कुल सीमट के जैसे ना पूरे पक्के बने हुए हैं। और उस दौर में हैरानी ये होती है कि इसके इस तरफ भी नीचे पहाड़ है, इस तरफ नीचे भी पहाड़ है, इस तरफ नीचे भी पहाड़ है, लेकिन ये इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है उस दौर में वो सीमट कहाँ से लाई थी, कैसे लाई गई वो यहाँ पे, और कैसे इसको तैयार किया गया। अब तो लोग लोग वगैरह आते हैं, अपनी जो है वो मन्नतें भी यहाँ पे मानते हैं, तो इसके अब इसको कब कहिए, बीच में से जो है पूरा निशान जो है, तो ये आप देख सकते हैं नीचे, दिखाएं अली भैया आप ये इसको क्लोज से, और ये बीच में से आप देखेंगे बिल्कुल जैसे कि मतलब एक चक्की, और ये बिल्कुल पक्का था। अब आहिस्ता आहिस्ता कितना पुराना हो सकता है, मे बी ये अकबर बादशाह के दौर का या मुगलों के दौर का, मतलब कहीं ट्रैवल के दौरान कहीं पे ये बनाया हो, इसका वो है। बाकी तो इसकी कोई तारीख तो नहीं मिलती, क्योंकि ये जब से हम तो अपने बुजुर्गों से भी यही सुनते आ रहे हैं कि हम मतलब हमारे दादे जो थे वो भी कह रहे कि तब का वैसा था, और हमारे मतलब वाले साहब जो है वो भी कहते हैं जब हम जाते थे तब भी ऐसा ही था। लेकिन ये जगह जो है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इसका सबसे बड़ी जो हाइट है, ये बहुत हाइट पे है ये माउंटेन, और इसके जो है अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो ये सबसे ऊंची चोटी है, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इस तरफ जो है ये, इस तरफ रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ गया, तो इस तरफ दिखाएं अली भैया, इस सामने इस तरफ जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, और वो नीचे गांव या तहसील, कोई भी माउंटेन है वो इससे डाउन में ही है। तो इस तरफ भी ये देखें आप, ये भी ये जो है वहाँ उस तरफ रजौरी पड़ गया, और इस तरफ जो है ये सामने इसको मंगनाड़ ढोक है, तो इस ढोक के उस तरफ जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट यानी कश्मीर से अटैच, और इसके इस तरफ जो ये बनिहाल से, अभी धुंध है तो धुंध में साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरफ जो है ये बनिहाल से भी मतलब जो टच, और यहाँ पे अभी तो धुंध है लेकिन जब यहाँ पे आता है बंदा तो यहाँ से जो है वो बनिहाल का एरिया जो है वो भी पूरा दिखाई देता है। तो ये फिलहाल इस माउंटेन पे भाई, इसको मैं कहता हूँ यहाँ आपको यूट्यूब पे आज से पहले ये वीडियो में यकीन से कह सकता हूँ नहीं मिली होगी, कहीं पे भी आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो हमें फिलहाल 2 दिन लगे, आज तीसरा दिन है हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि पैदल रास्ता है, कोई बाकी तो है ही नहीं यहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी, तो वो तो कहीं मील दूर रह चुकी है। तो ये बहुत डेंजर रास्ता भी है, लेकिन कुछ लोगों ने निशान लगाए हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे भी, तो निशान लगा के वो लोग यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह के जो वली हैं वो किस जगह आते हैं, कैसी कैसे पहाड़ों पे चलते हैं। और यहाँ पे हमारे बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि ये जगह जो है ये मतलब यहाँ पे खासकर जिन्नात परियों का जो है वो बसेरा रहता था अक्सर यहाँ पे। रास्ता जो देखा, रास्ता तो बहुत मुश्किल था, ऐसे ऐसे पहाड़ियों से, कैसा लगा आपको इन पहाड़ियों से? बहुत बहुत डिफिकल्ट, मैं ये कहता हूँ यार, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग मतलब आते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर मेरे ख्याल से टूरिस्ट डिपार्टमेंट अगर इसको प्रमोट करेगा थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं ऐसी ढोक है तो ये बहुत दूर तक जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे जो कोई भी बकरा बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि इतनी सारी अगर लकड़ी हो उससे जो है बकरा तैयार हो जाता है। तो ये ही करामत है यहाँ का, जो वली का यहाँ से गुजर हुआ है तो उसकी ये करामत है। तो ये फिलहाल नीचे जो ढोक है ये मुनिमाल की ढोक है अली भैया, ये यहाँ नीचे जो ये मुनिमाल की ढोक, और यहाँ से भी चढ़ के लोग आते हैं ऊपर, तो इस तरफ से भी लोग जो है चढ़ के, ये रास्ता है, और यहाँ बर्फ वगैरह जो है अभी भी जमी हुई है, और आज सितंबर का महीना है तो भी बर्फ वगैरह जो है, और ये नजर व न्याज भी लोग चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो पूरा सामान अगर कोई बंदा आना चाहता है यहाँ पे, तो अगर वो आता है तो ये देखो यहाँ पे अभी इसको ढक के रखा हुआ है, ये बीच में यहाँ पे मतलब पतीला वगैरह जो है, और साथ में कुछ प्लेटें हैं वो भी रखी हुई है। यार ऐसी पहाड़ी और इसके ऊपर से जब बंदा चलता है तो ऐसा लगता है जैसे अभी यहाँ से गिर जाएगा, जब भी मतलब इस तरफ नीचे देखेगा अगर तो भी लगता है जैसे सर चकरा गया है। और ऐसे यार मुश्किल रास्ता, डर सा लगता है, सर चकरा जाता है यार यहाँ पे, तो सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी, और यहाँ का मतलब जो ये पत्थर है इन्हीं पे जो रास्ता है इन्हीं के ऊपर से चलना है, जब
पीछे बंदा नजर डालता है तो यार यार ऐसी पहाड़ी में फंस गए जहाँ रास्ते की कोई कंडीशन नहीं है। अब जो है बस तुक्के पे चल रहे हैं, इस तरफ भी पहाड़ी और इस तरफ भी पहाड़ी। तो नीचे का आप देखें, देखो ये नीचे की खाई, क्या बात है। आई साहब को मिल गया जोगी फूल, क्या आई साहब यही होता है जोगी फूल? यही है सर, यही। अच्छा ये देखें आप क्लोज से, ये जोगी फूल। हम भी गए थे, हमें तो मिला नहीं। सबको कहाँ मिला, मुझे भी किसी ने दिया। अच्छा इनको भी शायद भैया ने तोहफा किया। फाइनली अभी हम पहाड़ से नीचे उतर आए हैं, देखो पीछे जो बर्फ भी जमी हुई है अभी वैसे ही सेट है। तो फिलहाल हम जो पहाड़ से नीचे उतरे, अब तो गोडे भी भाई मतलब बस कर गए हैं। देखते हैं अब नाइट स्टे कहाँ करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखिए। ओके अल्लाह हाफिज़, वीडियोस शेयर करें ज़रूर।